हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका रियल कन्फेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्टोरी सेवर फॉर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के जरिए आप किसी के भी इंस्टाग्राम स्टोरी को सेव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं वापस अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्ले स्टोर। मैं इसे ओपन करता हूँ तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल गया था। इसके सर्च बार में जाता हूँ और टाइप करता हूँ वीडियो डाउनलोडर फॉर इंस्टाग्राम रीपोस्ट एप्लीकेशन। तो मैं इसे टैप करता हूँ। अगर मैं इसकी रिव्यू रेटिंग की बात करूँ तो इसकी रिव्यू रेटिंग 4.8 है। 3.3 MB की एप्लीकेशन है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। चूंकि इस एप्लीकेशन को मैं पहले ही डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ सीधा प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सीधा इसे ओपन करता हूँ तो देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आता है और यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम की जिस भी पोस्ट को आपको, स्टोरी को आपको डाउनलोड करना है या भी कोई भी वीडियो को आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक यहाँ पे आपको ला करके पेस्ट करनी होगी और वहाँ सीधा डायरेक्टली डाउनलोड इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक होता हूँ और अपने इंस्टाग्राम पर जाता हूँ। मेरा ये इंस्टाग्राम है और मुझे सपोज़ ये वाला पोस्ट को मुझे डाउनलोड करना है। ये 3 डॉट की जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से जाना, यहाँ पे देखिए 3 डॉट की लाइन है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी लिंक है, तो कॉपी लिंक जैसे ही कर लेंगे, ये देखिए लिंक कॉपी टू द क्लिपबोर्ड हो गया। मैं यहाँ से मिनिमाइज हो जाता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा लिंक ऑलरेडी कॉपी हो गया है। मैं नीचे आता हूँ और देखिए चेक URL, तो जैसे चेक URL पे करेंगे देखिए ऑलरेडी डाउनलोडेड, तो ये हमारी वीडियो डाउनलोड हो गई। अभी इसे रीपोस्ट करना चाहता था, आप यहाँ पे जैसे रीपोस्ट करेंगे क्लिक करके देखिए शेयर आ रहा है। इसे फीडबैक में करना है या फिर स्टोरीज में करना, ये भी आ रहा है। तो दोस्तों, अगर इसको डिलीट भी करना है तो आप इसे जैसे क्लिक करेंगे ये डिलीट भी हो जाएगा। और यहाँ पे 3 डॉट की लाइन पे जाइए, देखिए कॉपी URL, कॉपी ऑल, शेयर और एडिट का भी ऑप्शन मिलता है। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलता हूँ एक नए वीडियो में।